मैं चू की पुनिका पस्तानी, तब बरसही जब कृषि सुखानी। नमस्कार साथियों, मैं हूं आचार्य राम मिश्रा, आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं अपने चैनल एस्ट्रोआरबी में। साथियों, आज का जो कार्यक्रम है वो खास होने वाला है धनुराशि के लोगों के लिए। साथियों, आपके हर प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा इस कार्यक्रम में। आपका प्यार प्रेम, आपका वैवाहिक जीवन, आपका संतान का सुख, आपका करियर, आपका बिजनेस, आपका जो है जो भी क्वेश्चन है, सभी क्वेरी आपकी पूरी कर दी जाएगी। साथियों, आज का जो कार्यक्रम है ये आप सभी धनुराशि वालों के लिए बहुत बहुत खास होने वाला है। जी हाँ साथियों, कैसा रहेगा आपका सितंबर का महीना? क्या युति रहेगी आपके सितंबर के महीने में? आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है? आपका प्यार प्रेम आपके लिए क्या सोच रहा है? और कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए आगे सितंबर माह में आपकी विशेष भेंट होने वाली है? ये सब मैं आज आपको बताऊंगा। साथियों, यदि आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो चैनल में फ्लैश हो रहे नंबर पर और चैनल के डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया गया है, उस पर आप लोग जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, यदि हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को समय पे कर लेना चाहिए, और जब समय निकल जाता है तब पछताने से कोई फायदा नहीं होता है। तो साथियों, आपके जो है कुंडली आप देख रहे होंगे कि आपका जो है धनु लग्न है, और धनु लग्न का जो स्वामी है वो बृहस्पति ग्रह है, और बृहस्पति जो ग्रह है वो आपकी राशि का स्वामी ग्रह है, और बृहस्पति देव गुरु है, सारे ग्रहों की गुरु है बृहस्पति। तो बृहस्पति जो ग्रह है वो कई धनु राशि वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि धनु राशि अच्छी नहीं होती है। ऐसा नहीं है साथियों, ऐसा भी नहीं है कि सभी धनु राशि वाले जो है भिखारी हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सभी धनु राशि वाले राजा हैं। यानी अपना जो पूर्व जन्मार्जिते विद्या, पूर्व जन्मार्जिते धनम, पूर्व जन्मार्जिते भार्या, एते कर्म लक्षणम, ये सभी जो भी कर्म हम यहाँ भुगत रहे हैं ये हमारे सब पूर्व जन्म के संस्कारों से भुगत रहे हैं, और अपने कर्म को अच्छा बनाने के लिए हम पूजन करें, भगवान की भक्ति करें, अपने से बड़ों का सम्मान करें। जी हाँ साथियों, तो आपकी जो कुंडली है उसमें आप देख रहे होंगे कि लग्न धनु लग्न है, और धनु लग्न के जो स्वामी है बृहस्पति वो कहाँ बैठे हैं? पंचम भाव में। पंचम भाव में आपका बृहस्पति राहु के साथ में गुरु चांडाल योग बना करके बैठा है, और ये जो है पंचम भाव जो साथियों होता है वो होता है आपकी पढ़ाई लिखाई का, आपकी जो है वाणी का। तो पंचम भाव में यदि राहु आ जाता है तो कभी ना कभी यदि गुस्सा आ जाता है ऐसे व्यक्ति को तो वो कुछ भी बोल देता है, फिर ऐसे व्यक्ति सोचते नहीं है कि मेरी वाणी के कारण ही मेरा कार्य खराब हो सकता है। जी हाँ साथियों, तो इसके लिए आपने क्या करना है कि बृहस्पति को पावर देनी है, पीली चीजों का सेवन करना है, पीली चीजों का दान करना है। तो आपको जो है मैं धीरे धीरे आगे ये भी बताऊंगा कि आपने विशेष उपाय क्या करना है। फिलहाल अभी मैं आपको बताऊं कि आपका जो पढ़ाई लिखाई का समय है वो बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति को यदि आप पावर देंगे तो आपका पढ़ाई लिखाई, आपके जो है किसी भी क्षेत्र की तैयारी आप करते हैं, आपका जो है आईएएस पीसीएस की तैयारी आप कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप जो है किसी विशेष क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। जी हाँ साथियों, तो इसमें जो है केवल आपने बृहस्पति को पावर देनी है तो आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। वहीं आप जो है देखेंगे कि आपका जो है द्वितीय भाव धन भाव का जो स्वामी है शनि ग्रह, वो पराक्रम में स्वकेंद्रवर्ती है, तो आपका धन से रिलेटिव भी सितंबर का महीना यानी बहुत अच्छा होने वाला है। तो धन से रिलेटिव और आपके आगे बढ़ने से रिलेटिव, पढ़ाई लिखाई से रिलेटिव आपका बहुत अच्छे होने वाला है। अब साथियों, मैं आपको बताऊं कि आपका जो छठा और पंचम भाव यानी छठे भाव का स्वामी होकर के शुक्र जो ग्रह है वो आपके प्यार प्रेम का कारक है, आपका प्यार प्रेम भी अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा जो है मनमुटाव रह सकता है, थोड़ा सा आपके मन में शंका रह सकती है कि मतलब जो है ये कहाँ बात करते हैं, मुझसे ही करते हैं, किसी और से भी करते हैं, मतलब इस तरीके के जो भी भावनाएं हैं वो आपके मन में आएगी, लेकिन इन भावनाओं को आगे बढ़ना न दें, जिससे आपका जो प्यार प्रेम है
वो सफल रहेगा। यानी सितंबर का जो महीना है आपके लिए, आपके प्यार प्रेम के लिए बहुत अच्छा है। वहीं आगे चलते हैं साथियों कि आपका जो सप्तम भाव है वो आपका वैवाहिक जीवन का है, दाम्पत्य सुख का है, पत्नी सुख का है। तो वहां का जो स्वामी ग्रह है वो जो है नवम भाव में विराजमान है, यानी नाइन्थ हाउस में विराजमान है, सूर्य के साथ में बुध आदित्य योग बना रहा है। तो वो ग्रह भी आपके लिए बहुत ही शुभ है। तो आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो अच्छा रहने वाला है। जिन भाइयों की बहनों की शादी नहीं हो रही है उनका भी इस महीने वैवाहिक जीवन का आगे विचार विमर्श चल सकता है, आगे जो है विवाह की तैयारियां चल सकती है, आगे आपका विवाह का जो समय है और आपकी जो बात है वो पक्की हो सकती है, बशर्ते कि आप लोग जो है इसके साथ साथ में उपाय भी जरूर करें। तो ये स्थिति आपकी क्या है, सप्तम भाव की है कि आपका प्यार प्रेम, आपका वैवाहिक जीवन वो भी शुभ रहेगा। वहीं आगे चलते हैं साथियों कि आपका जो भाग्य पक्ष है, आपका जो करियर है वो कैसा रहने वाला है, क्योंकि करियर का जो स्वामी है बुध वो सूर्य के साथ में है। तो आपका करियर भी अच्छा रहेगा। आपको जो है जिस भी क्षेत्र की आप तैयारी करते हैं, यदि आप जो है कहीं ऑफिस में काम करते हैं, कहीं बाहर काम करते हैं, आपका जो है किसी क्षेत्र में प्रमोशन नहीं हो रहा है तो प्रमोशन होगा, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे, आपका जो है पेमेंट रुका हुआ है तो वो भी मिलेगा, आपका कहीं धन फंसा हुआ है तो वो भी प्राप्त आपको हो जाएगा। तो आपका जो कर्म क्षेत्र है, प्राकर्म क्षेत्र है, वो भी बहुत शुभ है। तो इसके साथ साथ में भाग्यश स्थान आपका विशेष शुभ है, क्योंकि ग्रहों का जो राजा है, ग्रहों का जो राजा है वो कौन है, सूर्य ग्रह है, और सूर्य ग्रह अपनी सिंह राशि में विराजमान है, नाइन्थ हाउस में भाग्यश स्थान में। तो सूर्य ग्रह की युति बहुत अच्छी सितंबर माह में होने वाली है। आप यदि शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो वहां लगा सकते हैं, आप जमीन खरीदना चाहते हैं तो जमीन खरीद सकते हैं, वाहन लेना चाहते हैं तो वाहन ले सकते हैं, आप जगह जमीन भूमि संपत्ति इत्यादि करना चाहते हैं तो वो भी वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत अच्छा है, संतान के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, आपकी खेतीबाड़ी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, आपकी दुकानदारी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, यानी एक्स वाई जेड कोई भी कार्य यदि आप करना चाहते हैं तो वो भी आपका बहुत शुभ रहने वाला है। जी हाँ साथियों, क्योंकि आपका जो सूर्य ग्रह है वो अपने घर में विराजमान है, और उसके साथ साथ में यदि देखें तो आपका जो मंगल ग्रह है वो कहाँ है, वो कारक क्षेत्र में है। तो उसी के साथ साथ में 17 सितंबर के बाद जो बृहस्पति है वो भी कारक क्षेत्र में आपका आएगा। तो आपकी देखा जाए तो आपकी जो कुंडली है वो आपके जो है हित में है, और सितंबर माह में आपके लिए जो है बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। केवल सतर्क आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति जो है आपको कफ बना सकता है, आपको चेस्ट विकार करवा सकता है, एलर्जी बना सकता है, आपको नसों की प्रॉब्लम कर सकता है। तो उसके लिए आपको बृहस्पति को पावर जरूर देनी है, पीली चीजों का आपने दान करना है, और इसके साथ साथ में जो है आपने भगवान विष्णु का सहस्र नाम का पाठ भी आपने जरूर करना है। तो आपका जो युति है बहुत अच्छी रहने वाली है। तो आपके ग्रहों का कुल मिलाकर के जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है। आप लोग जो है सितंबर माह में अपना कोई भी कार्य है उसको बेधड़क कर सकते हैं, और आपकी जो युति है वो बहुत अच्छी होने वाली है। जी हाँ साथियों, तो आपने क्या करना है, आपने उपाय, तो उपाय आपने क्या करना है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सद्गुरवे नमः का आपने जाप जरूर करना है, एक माला 108 बार आप लोग जरूर करें, और इसके साथ साथ में अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन जरूर कराएं। चैनल आपके जो है चैनल में जो है नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप जो है अपनी कुंडली का परामर्श जरूर करवा लें। आपका बृहस्पति आपका कुंडली में ग्रह किस तरीके से हैं वो आप जो है विशेष तरीके से उसका उपाय जरूर करवा लें, तो उससे आपका जो भाग्य बढ़ेगा, आपकी आगे की युति बहुत अच्छी होने वाली है। तो साथियों आपने क्या करना है, एक माला ग्राम ग्रीम ग्रोम सद्गुरवे नमः का जाप करना है, और इसके साथ साथ में आपने जो है भगवान विष्णु का सहस्र नाम का पाठ जरूर करना है, तो आपकी युति बहुत अच्छी रहेगी और आप जो है आगे बढ़ते रहेंगे। तो साथियों कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। जी हाँ साथियों, तो बने रहिएगा एस्ट्रो आरबी में। राधे राधे।